हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी हर्षल अगेन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं हूँ नैनीताल में, और नैनीताल के पास में ही है नौकुचिया ताल, वहाँ पर है एग्जॉटिका नर्सरी एंड आई हैव बीन विजिटिंग दिस नर्सरी फॉर क्वाइट सम टाइम। और मैं आपको आज दिखाऊंगा यहाँ नर्सरी पर क्या क्या अवेलेबल है। सो लेट्स गो अहेड एंड आई विल गिव यू द टूर ऑफ दिस नर्सरी। Ma'am, thank you so much for letting me here. My pleasure. It's always nice meeting you. थैंक यू सो मच। और आज शीतल मैम के साथ हम मैम के पॉली हाउसेस का टूर करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं, शीतल मैम से अगर आपको प्लांट्स परचेज करने हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड शी ऑल्सो रेगुलरली विजिट्स आई सॉक्स एंड डिफरेंट कैक्टा एंड सकुलेंट शोज, जहाँ पर आप मैम से परचेज कर सकते हैं प्लांट्स। मैम थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में बता दीजिए, किसी को परचेज करना होगा। हाँ जी, तो एक तो शोज का है ही, अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ नौकुचिया ताल आए, बिकॉज हम लोग ऑनलाइन कुछ मेजम्स हैं, और ये एलोस की अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज है। इंडियन सोसाइटी ऑफ कैक्टस एंड सैकुलेंस का जो शो एनुअल होता है दिल्ली हार्ट न्यू दिल्ली में, वो जनकपुरी राइट, 6th एंड 7th ऑफ अप्रैल। हाँ, इस बार 6th और 7th अप्रैल को हो रहा है, और वहाँ पर आपको एग्जॉटिका नर्सरी भीमताल मैम का स्टॉल भी आपको नजर आ जाएगा, और वहाँ पर ये सारे प्लांट्स आप आके परचेज कर सकते हो। गेस्टीरियास, हेवर्थियास, कुछ मेजम्स, कुछ एल्ब्यूकास, बुया, ये हमारे सारे एयर प्लांट्स हैं। इनमें से भी कुछ वैरायटीज में लेके जाऊंगी। ओके, इसको स्पैनिश मॉस भी कहते हैं। हाँ, स्पैनिश मॉस है यहाँ। हाँ जी, एक सकुलेंट्स है, जबकि अभी वेदर इज नॉट वेरी गुड फॉर सकुलेंट्स, बट हम लोग हार्डी वाले सकुलेंट्स लेके जाएंगे। ओके, जो कि परमानेंट है, शेड ग्रोइंग फॉर द मंथ्स ऑफ मई, जून, जुलाई, अगस्त। ओके, उसके बाद आप उसको हार्डनिंग के लिए बाहर भी रख सकते हैं। कुछ एक सकुलेंट्स भी हम लेके जाएंगे, हार्डी वैरायटीज जो है, which can tolerate Delhi's heat. यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हो बहुत सारे गेस्टेरियाज हैं। मैम, इफ पॉसिबल थोड़ा प्राइसेस का भी आइडिया दीजिएगा, हेवर्थियास गेस्टेरियाज जो यहाँ पर रखे हैं। 100 रुपीस से स्टार्ट है। ओके, एंड देन इट डिपेंड्स कौन सा बड़ा वाला आप लेते हैं, कौन सी स्पीशीज लेते हैं। सो 100-150 रुपीज से स्टार्टिंग है हेवर्थियास गेस्टेरियास की, एंड प्राइस इज ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड प्राइस, या स्पीशीज एंड द स्पीशीज ऑफ द प्लांट ऑब्वियसली। ये आप जो देख रहे हैं सब ब्लूम होके हटे हैं। अब ये सीड बनता है, हम लोग सीड कलेक्ट करते हैं, फिर अगेन जर्मिनेट करते हैं। राइट, ऑल जर्मिनेशन इज बाय सीड। कुछ एक पॉप्स होते हैं, वो भी हम सेपरेट करते हैं। ये हम कुछ एक प्लांट्स साउथ अफ्रीका से लेके आए थे। okay. राजेंद्र में गए थे। हाँ जी, अब उससे हमने बहुत सारे मल्टीप्लाई भी कर दिए हैं। इसमें जैसे आप देखिए, एक प्लांट में तीन तीन चार चार हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसकी शूट्स निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सब में फ्लावरिंग हो रही है, सभी बनता है, देन अगेन फ्लावरिंग हो भी रही है।
एक वैरायटी ये है, एक ये वाली वैरायटी है, दिस इज आल्सो द सेम वैरायटी फ्रॉम देयर। ओके, विंटर स्ट्रेस कलर्स। दिस इज अनदर वैरायटी, सब एलोस की डिफरेंट वैरायटीज है, पूरा जंगल है एलोस का यहाँ पर। एलोस एकदम वाइल्ड हो भी जाता है। हाँ जी, हाँ जी, काफी हार्डी प्लांट है। हाँ, और हर वेदर में चल जाता है। बिल्कुल, बस कम वाटरिंग चाहिए। व्हाट इज वे ट्रिकियर देन एलोस? हाँ, लेस केयर, लेस वाटरिंग, दैट इज द ओनली थिंग यू रिक्वायर फॉर एलोस। एंड दीस आर सम फकेरियास, कॉमनली नोन एज टाइगर्स जॉज, राइट, एंड दे हैव येलो फ्लावर्स। This one clump has almost 6 to 7 plants in it. तो इसका price मैम लगभग कितना होगा? ये 500 का है। 500 का whole pot या एक? Whole pot for 500. Okay. और इसमें small चाहिए, तो वो भी 75 rupees के हैं। Okay. जो single आपको है, वो हम separate करके अलग से रखते हैं। These are again different mesms. Most of them are blooming right now. Most of them are blooming, yes. And I'm just waiting. I hope they bloom in the show also. This is another variety of mesms. This is also bloomed and this had orangish yellow flowers. You can see the wilted ones. Albuca. Oh, many albucas. And yes. Every single albuca is blooming right now. Yes. So these are Albuca humulus. Humulus, and fingers crossed, because I think they'll open up by the show time. Mm. We have still 15 days to go. Yeah. So yes, this is another variety. This is also Albuca. Spiralis. Albuca spiralis, spiralis is blooming. Beautiful spirals. Mm. Then my few permanent plants, azaleas. Wow. You can see. You can barely see the leaves. It's only flowers and flowers and full of flowers, loaded. So this is our main thing, the camellias and azaleas, which are for the mountains. Mm. And they are permanent perennials. They are looking beautiful. Yeah, different colors. And these are almost 10 to 12, 15 years old. Wow. Mm. How many colors do you have in azaleas? Almost 7 to 8 colors. 7 to 8 colors. These are the bigger pots, then you have the smaller pots there. Similarly, you can see the bromelets, even they are blooming. This is called the Guzmania variety of bromelet. Okay, yeah. Bromelets again, indo plants. इस सेक्शन में क्या क्या है? इसमें जेरेनियम्स हैं ये। ओके। कुछ हैंगिंग जेरेनियम्स हैं। हम्म। वहाँ पर इसकी बास्केट है। ओके। और ये सारे ब्रोमलेट्स हैं। ओके। बड़े वाले। अगर इसमें छोटे चाहिए छोटे भी मिल जाएंगे। ओके। ये क्रासुला है। मुकोसा। अगेन अ सकुलेंट। हमारी वैरायटीज ये सब सकुलेंट्स ही हैं। हाँ जी। बोनसाइज बने हुए हैं, क्रासुला ओवाटा एंड क्रासुला गोलम। ये वाले जो है पत्ते, ये क्रासुला गोलम है। और ये जो अलग सा आप दिख रहे हैं, ये क्रासुला ओवाटा है। ओके, क्रासुला ओवाटा एंड क्रासुला, दिस इज गोलम। गोलम, यस। एंड देन दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रोमेलिड्स। एक कलर वो है, ये है। दीज आर ऑल इंडोर प्लांट्स। इंडोर प्लांट्स हैं तो नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट में क्या आप रख सकते हैं? रख सकते हैं। और इसमें जब फूल आता है, वो फूल जो होता है जी, वो 5-6 महीने पॉट में ही रहता है, मतलब प्लांट पे ही रहता है। ओके, इट ब्लूम्स वंस अ ईयर। तो इसको ब्राइट लाइट चाहिए होगा? नहीं, इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। इनडायरेक्ट सनलाइट, तो विंडो सिल पे रख सकते हैं। विंडो सिल पे रख सकते हैं विंटर्स में, अदरवाइज आप आराम से शेड जगह पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डिफरेंट कलर्स के यहाँ पर कुछ, ओह माय गॉड, मैंने कभी इतना प्रिटी फ्लावर नहीं देखा। इसको मैचस्टिक फ्लावर, हाँ मैचस्टिक, राइट, बिल्कुल रिजेंबल भी हो रहा है मैचस्टिक की तरह। अभी इसको मैचस्टिक फ्लावर ब्रोमेलिड वाला कहते हैं। ये एक अलग कलर है, और ये देखिए क्रासुला गोलम की भी फ्लावरिंग हो रही है। ओह इंटरेस्टिंग।
एंड दीज आर लाइक बोनसाइज। क्लीवियास, इनके बारे में कुछ बताइए मैम। ये भी इंडोर प्लांट्स ही है, सेमी शेप प्लांट्स, पर ये आपके हिल्स के लिए है। दिस इज नॉट फॉर द प्लेन्स। ओके, इनमें सर्वाइव नहीं होंगे ज्यादा। पीछे आपके ग्लॉटिफाइलम है, व्हिच वन? ओके, या ग्लॉटिफाइलम्स। हां जी, ये भी कुछ एक शो के लिए जाएंगे, पर आई थिंक तब तक ब्लूमिंग खत्म हो जाएगी। डेजीज ये भी यहाँ के लिए हैं। हाँ, मार्गरेट डेजीज, ऑल प्रिटी फ्लावर्स फॉर द माउंटेन्स। विस्टीरियास, ओके, विस्टीरियास आर ऑन फायर। दिस इज ग्रीन हाउस नंबर टू which has all the cacti and some succulents. Look at that. यहाँ पर कुछ perfect balls रखे हुए हैं, golden barrels. Golden barrels के पीछे आप देख सकते हो beautiful astrophytums and then more mesems, lithops. And these all seed grown. All that seed grown. Yeah. This is the first stage. Then when they grow bigger, itna hai. Then wo bade wale hai. And then they form clumps. So yeah. Three ke clump, two ke clump. They are all there. Titanopsis. Ye please plows hai. You can see the flowering. Most of our cacti and mesems are seed grown. Yeah. ये वाले एस्ट्रोफाइटम्स का प्राइस कितना होगा? ये 500 के, 500 ईच। ओके, द ग्रीन वंस आल्सो। एस्ट्रोफाइटम्स में तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। या यहाँ पर मैम सारे शो की तैयारी कर रहे हैं। सारे प्लांट्स जो भी ये बास्केट्स में रखे हैं आप देख रहे हो, ये सब मिलेंगे आई सॉक्स में। कुछ बहुत ही सुंदर फेरो कैक्टस हैं, क्रेस्ट हैं यहाँ पर। अगेव्स भी बहुत सारे लेके आएंगे क्योंकि अगेव्स की काफी डिमांड है। कुछ अच्छे भी लेके आएंगे। अगेव टाइटनोटस, सम टॉल सीरियस, मैमिलेरियास, कितने सारे सीड पॉट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, बिल्कुल लीचिस की तरह। प्लांट्स यहाँ पर इतने सारे हैं कि हर प्लांट को इंडिविजुअली इस वीडियो में दिखा पाना या कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट आई ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा प्लांट्स हैं, आई थिंक लैक्स में प्लांट्स होंगे। ओह, लुक एट दीस प्रिटी ब्लूम्स। पूरा फ्लावर्स का बेड बन गया। लुक एट दीज परफेक्ट बैरल्स। फ्लावरिंग इनमें मैम हो चुका है या अभी? ये फ्लावरिंग हो चुका है। हो चुका है, ओके ओके। ड्राई फ्लावर बर्ड्स हैं।
सीड निकालते हैं, सीड से फिर जर्मिनेशन होता है, बट तो अभी सीड पॉड आएगा इसमें, इसमें सीड पॉड आएगा ओके, और बहुत टाइम लग जाता है अच्छा जर्मिनेट होने में। हाँ यहाँ कुछ सीड पॉड नजर भी आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए ओपन हो रहा है। तो बस पर ये है कि आप मतलब 1 ईयर वेट करना पड़ता है, तब हल्का सा दिखता है कि कुछ स्प्राउट हो रहा है। ये वाला सीड पॉड तो राइप भी हो गया है। हाँ जी, हम थोड़ा सा इसको दिखाइएगा, सीड्स किस तरह के होते हैं, निकालना पड़ेगा, थोड़े से निकाल के दिखाइए बस। और हाँ बहुत माइन्यूट होते हैं ये, फिर अभी हम ड्राइंग के लिए रख देंगे है ना, और ड्राई करके जब हम डालते हैं फिर इसको पॉलीथीन में पैक कर देते हैं हाँ, ताकि ह्यूमिडिटी मिलती रहे। बट 6-7 मंथ्स में हल्का सा कुछ कुछ दिखेगा कि हाँ इट्स ओपनिंग। तो ये कितनी एज होगी इन बैरल्स की? इनकी 15 इयर्स होगी। 15 इयर्स होगी ओके। और यहाँ पर ये बड़े बैरल्स हैं, यहाँ पर छोटे बैरल्स हैं, ये सब सीड ग्रोन है, इनकी भी 5-6 इयर्स एज है। 5-6 इयर्स एज होगी। हम इसका प्राइस लगभग कितना होगा? इसका प्राइस होगा 1000 रुपीज। 1000 रुपीज ओके, जो रिटेल में हम देते हैं ओके। यहाँ पर कुछ लताप के क्लम्स रखे हुए हैं, ओ एक कॉर्डिसिफॉर्म भी है, पैरानेकैंथा मैल्विफोलिया, more astrophytums, coryphanthas, agaves and what not. euphorbia cans hain, ye sab ke seed ban rahe hain dekhiye. The top seed growing, aur ye cactus ke seed the hain. Yahan par plumosas hain, ये देखें जो आपने अभी बैलेंस देखा। हाँ जी, ये उसकी सीड्स ओके, ये वाओ, इस स्टेज पे ये कम से कम 1.5-2 साल का पौधा है, 1.5-2 साल का ये साइज आया है अभी। स्लो ग्रोइंग है एंड टाइम भी लगता है। ये टिटनोप्सिस के सारे सीड्स से बने हुए हैं ओके, ये देखिए आप, pretty plumosas, feathery spines of beautiful mammillaria plumosa. इस तरह के क्लम की प्राइस क्या होगी मैम? 2000 ईच पॉट, बिल्कुल ठीक है। स्नोबॉल लग रहा है पूरा। हाँ जी, पिलोसिसिरस में भी फ्लावर बर्ड्स आ रहे हैं। ब्लू कैंडल कैक्टस भी बोलते हैं शायद इसको। हाँ हाँ जी हाँ जी, guys can you guess the number of heads on this one? 9 heads
5H. This one. And they're almost 20 years old. 20 years old, okay. Look at the spines. मैम इनका प्राइसेस कितना होगा? ओके, क्रैप्टोपिटेलम बोलते हैं क्या इसको? क्रैप्टोस टोमेटो सर, 50 रुपीज़. ये सब 15 रुपीज़. ये भी बल्बस है, लेंचिनेलियास. ओके, अब खत्म हो गए. ये जनवरी से ब्लूम करते हैं और अप्रैल तक अभी आप देख रहे हो. हाँ जी, एंड ऑफ मार्च तक ब्लूमिंग है. अब उसके बाद बल्ब्स रिटेन कर लेंगे हम लोग. ओके, जब पूरा सूख जाएगा. हाँ जी, हाँ जी. इसके अब वाटरिंग हमने बंद कर दी है. ओके, सो दैट लेट इट ड्राई. उसके बाद हम बल्ब्स निकाल देंगे. देन नेक्स्ट ईयर अगेन हम नवंबर में डालते हैं. अच्छा अच्छा, जनवरी ऑनवर्ड्स ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है इसकी. ये सकुलेंस का फैक्ट्री आउटलेट है, बिल्कुल आपने मास प्रोडक्शन है यहाँ पर सकुलेंस का. ये सब हम लोग तैयार करते हैं बिकॉज दिवाली से पहले सब बायर्स आ जाते हैं. ओके, एंड देन हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देते हैं. दो शोज होते हैं, दो तीन जितने भी हैं. हाँ जी, हाँ जी. ओके, कुछ यहाँ के लिए ये परमानेंट है. String of pearls, yes. Sinosio. Wow. Yeah, Panchia. ये इसका विंटर कलर है. ओके, धीरे-धीरे फिर ग्रीन होता है एंड इसके मैजेंटा कलर के फ्लावर्स आते हैं. दिस इज अ परमानेंट सकुलेंट. परमानेंट सकुलेंट है. ओके, परमानेंट सकुलेंट, यू कैन इवन हैंग इट. हां हां, और इसके क्योंकि जब फ्लावर्स आते हैं तो ड्रूप करता हुआ अच्छा लगता है. ओके, तो ये इसका विंटर कलर है विद रेडिश पिंकिश और ये इसका समर कलर है. दैट्स ग्रेट. दोनों ट्रांजिशंस यहां पर नजर आ रहे हैं क्योंकि नाउ वी आर आल्सो एंटरिंग दैट स्टेज. मैम ने बताया ये भी काफ़ी हार्टी सकुलेंस है और नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट में ये भी सर्वाइव हो जाएंगे. सो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली ट्राई देम आउट. कुछ तो लेके ज़रूर जाऊंगा सकुलेंस. ओह वाओ, लुक एट द कलर्स.
and we are walking towards the last greenhouse, and this is the fourth one, right? Fourth one. And then we have this huge space here where ma'am is growing different kinds of foliage plants. And some of them are flowering as well. That is a Japanese cherry. Which one? The pink one. Oh, the pink one, okay. Yeah, this is Japanese cherry. Japanese cherry, oh yes. Wow. And you can see, you can hardly see the leaves. When it blooms, from the bottom to the top, it's only flowers. Wow. And then the leaves will come after another 15-20 days. Hmm. And then it will have those small berries. Okay. Which are sweet and sour. It's from bear we can. Hanji, hanji, hanji. And it attracts a lot of birds. Oh, wow. Hatti mitti. Oh wow, amazing. These are my camellias. Greenhouse of more succulents. Okay. So these are topsy-turvy's crests and the normal form are there. Topsy-turvy also we call curly. Okay. Yes. I think that is the problem with most of us. Yes. There are so many varieties, so many species. These are moonstone succulents. सो फ्रेंड्स, ये टूर था एक्जॉटिका नर्सरी नौकुचिया ताल का. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट सो मच ऑफ टाइम एंड विजिटिंग. थैंक यू मैम. एंड मेरा स्टाफ है पूरा, बिकॉज ऑफ विच आई एम वर्किंग ओवर हियर, और इनकी ही कारण ये नर्सरी चल रही है. तो थैंक यू, इनका भी है. बिल्कुल. थैंक यू सो मच.